एक मेरा ये भी सवाल था कि बहुत सारे हमारे टियर टू, टियर थ्री है। बिल्कुल। उनका ये है कि उनको है, हाँ, में, हाँ, तो में आजू बाजू में, में होता है तो उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके देखो अगर टीयर टू टीयर थ्री की बात करें और जैसे हिसाब से आप बोल रहे हो तो कम्पोस्ट कम्पोस्टिंग बहुत ईजी है आप ऑनलाइन सीख सकते हो कैसे करते हैं और बहुत अच्छी चीज है आप फैलाओ कम्युनिटी में और खासकर खाद बनती है उससे तो गाँव में भी बहुत काम आ सकती है वो यू you नो know? और दूसरा साइकिलिंग बहुत ईजी है इत, किसी भी चीज़ से आप कुछ नया बना सकते हो और इंडियंस तो हम एक्सपर्ट हैं जब तक वो हमारी पैंट शर्ट का पोछा नहीं बन जाता तब तक वो जाती नहीं है कभी कूड़े में तो नई नई चीज़ें बनाओ और सोचो कि कैसे जुगाड़ बना के जुगाड़ से कितनी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं आपके जंग को यूज करके आपकी पुरानी चीजों को यूज करके तो वो जरूर आप कर सकते हो और उससे एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो आई थिंक हर एक डिफरेंट टाइप के जैसे कि मान लो आपने बताया कि एक वेट वेस्ट के साथ हमने कंपोस्टिंग कर लिया जो प्लास्टिक वेस्ट है जो बॉटल वाटर साथ हमने अपसाइक्लिंग कर दी वैसे ही आई गेस हम जो हमारा पेपर प, पल्प है कार्डबोर्ड है उसको हम वो आई थिंक

बहुत ही सारी गाड़ियां स्क्रैप होनी है नो, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है तो ये, ये बिकॉज बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें चीजें मिस भी हो सकती है एक मिस यूज हो गया दूसरा ये भी ना कि सही से रिसाइकल होना चाहिए मतलब एफिशियंट तरीकों से उसको यू नो स्क्रैप किया जाना चाहिए कहीं से जुगाड़ों से नहीं होना चाहिए हथौड़े मार के नहीं होना चाहिए आ, मशीनों से होना चाहिए तो उसके लिए कुछ ऑथराइज स्क्रैपर है तो हमारा टाइप है जैसे जिनको हम देते हैं वो गवर्नमेंट ऑथराइज कार स्क्रैपर है ओके हाँ जी ओके तो जैसे कि मुकुल भी बता रहे थे कि डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ डिफरेंट बिजनेस आइडियाज हैं आप चूज करिए कि आपको एग्रीकल्चर वेस्ट से करना है प्लास्टिक से करना है कार्डबोर्ड से करना है कंपोस्टिंग से करना है अपॉर्चुनिटी इमेंस है और क्योंकि जैसे आप बता रहे कि वेस्ट तो बढ़ते ही रहेगा बिल्कुल अब ना रिसेशन आने वाला है ना इसमें कोई वो है कि स्लो डाउन होने वाला है ये एवर ग्रोइंग फील्ड है आपको एक नीच पकड़ के exactly. उसमें डबल डाउन करना है और ये सेम चीज आपने भी करी की बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। हम ये जो सेग्रीगेशन पूरा लॉजिस्टिक्स एंड टू एंड हम मैनेज करेंगे वेस्ट में ना एक अवेयरनेस का भी बिजनेस हो सकता है क्योंकि वेस्ट बढ़ना ही है बट बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है तो जैसे कंज्यूमरिज्म बहुत फैल रहा है कोई अच्छी चीज़ नहीं होती कि हम हर साल नया फोन खरीद लेते हैं कंपनी तो चाहेगी हम खरीदे ब्रांड तो जाएगा कि भाई हम नया फोन खरीदे इसमें तो वही आडिया आ रहा है बिजनेस ना भी बनाया मैं कह रहा हूँ आप क्यों ले रहे हो नया फोन जब आपको चाहिए ही नहीं ठीक है ना तो क्यों नया फ्रिज ले रहे हो जब आपको चाहिए नहीं आपके फ्रिज से चल रहा है सही से काम तो अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ सकते हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराएं बच्चों को सिखाएं कि भाई कैसे हम क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी यू नो कंज्यूमरिज्म करना मतलब अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग करना गत्ता यूज करना मतलब हमें ये भी करना चाहिए कि वेस्ट कम हो हालांकि हाँ। हमारा बिज़नेस से बढ़ता है बट हमें ना सोसाइटी के लिए बहुत वो उससे सोचना चाहिए बिकॉज अभी हमें दिखती नहीं है चीजें नहीं आप आप तो दिखने लगे कि ये फ्लिपकार्ट का लगी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल राइज आएगा ना तो तब तो शायद चीजें संभाल नहीं पाएंगे हम घर पे मतलब हर हफ्ते एक में एक कार्टन आता रहता है जब भी लैंडफिल्स कितने बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं और दिल्ली में पहाड़ अगर आप वहाँ पे जाके हेल्थ वर्कर्स मतलब सॉरी जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ कंडीशन देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि वहाँ से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और वहाँ पे उनको इक्विपमेंट नहीं मिलते प्रॉपर काम करने के तो हमें उनको भी देखना है ना। ये, पे भी सीवर क्लीनिंग हो और उसमें उसको, उनको घुसना ना पड़ेगा हाँ, ऐसी हाँ. इंडिया में ना जो बहुत ही सीवियर यू नो इशूज जिनसे रिलेटेड है आई थिंक ये एक बहुत जो वेस्ट हम सोचते हैं बहुत छोटा सा मार्केट है बट आपसे बात करके लगे इतने बहुत, सारे बहुत सब है। है। हर, सब में बार बार हर में हर कंट्री में अपॉर्चुनिटी है यार सिर्फ इंडिया में नहीं मतलब आप चीजें लेके जाओ इंडोनेशिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट की और कई एशियन कंट्रीज में बहुत बड़ी अभी आई थिंक चाइना के बाद सेकंड बिगेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर हम ही है और अफ्रीका में भी बहुत प्रॉब्लम है वेस्ट की लैंडफिल्स की तो इमेंस अपॉर्चुनिटी है और अब जैसे अब मेन आपको भी एक फायदा होता कि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है जैसे नितिन गडकरी बोल रहे हैं तो हम बायोग से निकालेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इनिशिएटिव्स भी लेके आ रही है काफी सारे अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का मन की बात में भी ई वेस्ट पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे काफी लंबा उन्होंने okay. मतलब लेक्चर दिया था तो वो भी काफी अच्छा अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह

तो कम से कम हम नहीं कर सकते अपनी आदतें नहीं बदल सकते तो अपने बच्चों को तो हम उस तरीके से एजुकेट करें तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से